कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे किसान आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस मौके पर सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से हटाने, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की जाँच की मांग को लेकर देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में किसान मोर्चा की ओर से इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजे जाने वाले इस ज्ञापन में लिखा गया है कि 3 अक्टूबर 2021 को हुई लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जिस तरीके से जांच की जा रही है उससे पूरा देश निराशा और आक्रोश में है। सुप्रीम कोर्ट इस घटना को लेकर पहले ही प्रतिकूल टिप्पणी कर चुका है। इसके अलावा ज्ञापन में लिखा गया है कि महत्वपूर्ण रूप से देश नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार की नैतिकता की कमी से स्तब्ध है, जहां अजय मिश्रा टेनी मंत्री परिषद में राज्य मंत्री बने हुए हैं। दिन दहाड़े किसानों की हत्या की घटना में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी मंत्री की थी। मंत्री 3 अक्टूबर से पहले कम से कम 3 वीडियो में रिकॉर्ड हुए थे जो सांप्रदायिक और द्वेष को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आज किसानों का एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन है। आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन के 11 महीने भी पूरे हो रहे हैं और इसीलिए आज किसानों का 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन होगा।